आज हम कंप्यूटर में चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर मैनेजमेंट। मींस कंप्यूटर को हम मैनेज कैसे हम करते हैं। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर मैनेजमेंट। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, लिबवेयर और ह्यूमन वेयर एंड स्किनवेयर क्या होता है। स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को कलेक्ट करता है और हमें रिजल्ट आउटपुट के रूप में मिल जाता है। क्लियर। ये सारे काम कंप्यूटर के वेरियस पार्ट्स अलग अलग विभिन्न प्रकार की हेल्प से हम कर पाते हैं। कंप्यूटर के ये पार्ट्स और डिवाइसेस खुद से कुछ नहीं करते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए हमें उनके तीन कंपोनेंट्स की नीड रहती है जो कि हैं, फर्स्ट कोई भी काम करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना, सेकंड जो व्यक्ति मीन्स जो भी पर्सन यूजर इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहा है, फिर डिवाइसेस या फिर उन पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट करना मीन्स पर्टिकुलर आपको सही एग्जीक्यूट करना और इंफॉर्मेशन पर काम करना। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट हम समझेंगे। मैनेजमेंट के तौर पर कंप्यूटर सिस्टम फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, लिबवेयर, स्किनवेयर। क्लियर। फर्स्ट हम देखेंगे हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर में जितने भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं, जो भी अवेलेबल रहते हैं आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स कहते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल वो रहते हैं और टच भी कर सकते हैं। सारे इनपुट डिवाइसेस, ऑल द इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ईटीसी आपके हार्डवेयर में आते हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, ईटीसी आपके सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर है। ये असल में एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। माइक्रो प्रोसेसर, डीवीडी, ड्राइव और हार्ड डिस्क ये आपके इंटरनल पार्ट्स हैं। जो भी यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर को समझता है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर बोलते हैं। मीन्स जिस पर्टिकुलर पर्सन को हार्डवेयर में अच्छा खासा नॉलेज होता है उसे हम हार्डवेयर इंजीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर पर हम जब भी किसी स्पेशल पर कोई भी स्पेशल वर्क करते हैं तो सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर यूजर को कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए हेल्प कर देता है। सॉफ्टवेयर के बिना हम कंप्यूटर हार्डवेयर एक निर्जीव है, मीन्स नॉन लिविंग थिंक रहेगी अगर सॉफ्टवेयर अवेलेबल ना रहे तो। सॉफ्टवेयर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं और ना ही आप इसे टच कर सकते हैं। यह एक फील कर सकते हैं या फिर जो अंदर ही कर सकते हैं, इसे सिर्फ केवल समझा जा सकता है, ना कि टच किया जा सकता है, ना ही आप इसे क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल नहीं रहता है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर ही सॉफ्टवेयर के आपको तीन पार्ट्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका फर्स्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है और इन्हीं की हेल्प से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चल पाता है, आप उस पर काम कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इजी एग्जांपल है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपको विंडोज जो भी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हम नेक्स्ट अंदर टू मेन पार्ट्स अवेलेबल होते हैं जो कि फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक नॉर्मल बॉक्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक सिस्टम एक जरिया है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर हार्डवेयर तक पहुंचा सकते हैं अपनी आप जो बात जो आप चाह रहे हैं उस पर प्रोसेस करना वर्क करना। हार्डवेयर को कमांड दे पाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। अभी प्रेजेंट में कई प्रकार के ऑपरेटिंग कई टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जा रहे हैं जैसे कि विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, ईटीसी। इसी में नेक्स्ट आते हैं आपके कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर। कंपाइलर एक टाइप का ट्रांसलेटर होता है जो कि सोर्स लैंग्वेज को वस्तु की भाषा में बदलता है।
एक डिफरेंस जो कंपाइलर इंटरप्रेट में होता है वो है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में चेंज कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन ही चेंज कर सकता है। क्या है मेन डिफरेंस? कंपाइलर एक साथ एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, जबकि इंटरप्रेटर में वन बाय वन सिंगल लाइन ही है चेंज करता है। नेक्स्ट है आपका इसी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम सभी यूजर्स कंप्यूटर में, स्मार्टफोन्स में या टैबलेट में बहुत सारे एप्लीकेशंस यानी एप्स को यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको रियल में इसका मीनिंग पता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? हम जानेंगे इसे। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर्स को हेल्प करता है, मदद करता है, डेवलप किया गया होता है। क्लियर? ये केवल एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एमएस वर्ड जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि डॉक्यूमेंट को ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, शेयर और प्रिंट करने में आपको हेल्प करता है। एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने डेवलप किया हुआ है। इसी में आपका आ जाता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के नाम से भी इसे हम बुलाते हैं या जाना जाता है। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि आपके आंकड़ों को टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, कैलकुलेट, शेयर और प्रिंट आपको करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये एक डेटाबेस रिलेटेड प्रोग्राम है जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा ये डेवलप किया हुआ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एनालाइज करता है आपके डेटा को, कॉन्फिगर करता है और मॉनिटर करता है, जिससे आपको कंप्यूटर को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आपका है नॉर्टन एंटीवायरस। नॉर्टन एंटीवायरस, एंटीवायरस तो आप जानते हैं क्या होता है, नॉर्टन कंपनी का ही है जो एंटीवायरस है। एंटीवायरस क्या करता है? आपके कंप्यूटर से वायरस और कोई भी प्रकार का मैलवेयर को फाइंड आउट करता है, उन्हें रोकता है और रिमूव करता है। नेक्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है। जैसे कि आपके मोबाइल में ओपेरा मिनी यूसी ब्राउजर रहता है, वैसे ही कंप्यूटर में आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड आपको बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग ये अब तक का सबसे बेस्ट ब्राउजर है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। आपको यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में अवेलेबल